वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकेश विद ब्लॉग। और आज हम आ गए हैं लोको बाज़ार पाथरडी। सुबह सुबह संडे का दिन है और हम लोग देख रहे हैं कि हम अभी मछली बाज़ार में खड़े हैं और मछली लेना है, तो आइए दिखाता हूँ मछली बाज़ार का कुछ नज़ारा और कुछ मछली बाज़ार का कुछ तस्वीरें कि किस तरह का मछली जो है बाज़ार में अवेलेबल है। देखिए पीछे जो आप देखिए मछली कटिंग हो रही है, तो चलिए दिखाता हूँ मछली का कुछ वीडियोस। ये देखिए मछली जो है बाजार में कुछ इस तरह का है। ये देखिए ये लोग का तो कहना है कि ये है देसी मछली, परंतु ये देसी मछली शायद नहीं है, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है मछली के बारे में, तो किसी और दूसरे दुकान में देखते हैं किस तरह का है। चलिए किसी और दूसरे दुकान में ले चलते हैं। ये देखिए सावन का महीना है, इसलिए बाज़ार में खास करके मछली बाज़ार में भीड़ जो है बहुत कम है। सब्जी बाज़ार उधर आप देख सकते हैं, उधर भीड़ भाड़ ठीक है क्योंकि कल सोमवार है, तो भीड़ ज़्यादा है पूजा के लिए सावन महीना में, लेकिन मछली बाज़ार में जो है भीड़ बहुत कम है। देखिए हर दुकान में जो है मछली तो है, लेकिन लेने वाले कस्टमर्स जो है बहुत कम है श्रावण को लेते हुए, और फिर कल सोमवार भी है, सोमवार ही श्रावण का। मछली तो ऐसे नहीं फोटो लेते जो है, मछली तो बहुत ज़्यादा है बाज़ार में। ये देखिए आज सुबह सुबह आ गए थे तो सोचा कि थोड़ा सा मछली बाज़ार का भी एक वीडियो आप लोग के सामने लेके आता हूँ। ये देखिए ये दुकानदार मछली बाज़ार का, मछली बाज़ार के उस साइड में जो है आपको सब्जी बाज़ार मिल जाएगा, फिर आगे जो है फल मंडी है, फल का बाज़ार है, ये पूरा सेंटर में आपको मछली का ही बाज़ार है। चारों तरफ मछली मछली लगा हुआ सुबह सुबह और भी ज़्यादा, और श्रावण महीना ना होकर अगर ये कोई और महीना होता तो शायद भीड़ ज़्यादा रहता। अब जो है हम थोड़ा सा बाज़ार की ओर चल रहे हैं, बाज़ार में देख रहे हैं कि किस तरह का क्या माहौल है। धूप भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी है काफ़ी। ये देखिए ये सड़क, ऐसा करते आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल का नाम है विकेश विद ब्लॉग। धन्यवाद।